WHO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली आप JN.1 जो नया वेरिएंट आया है ओमनीक्रॉन का, कोविड का जो है के बाद जो ओमनीक्रॉन आया, ओमनीक्रॉन के बाद ही JN.1 का अभी नया जो वेरिएंट आया है, उसकी WHO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली हमें प्रिकॉशन रखनी है। और वो इतना जो अभी WHO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली उतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने वैक्सीनेशन ली है वो सभी इसमें प्रोटेक्टेड हैं, बट जो कि एट रिस्क पेशेंट होते हैं, जैसे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, उनके लिए खतरा हमेशा बना रहता है। जहाँ तक IGMC का सवाल है, हमारी पूरी तैयारी है। हमें WHO के अभी थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे को लेटर्स आई हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमने अपना मेक शिफ्ट हॉस्पिटल को, जो कि 22 बेडेड हॉस्पिटल है, पूरी तरह तैयार कर लिया है। और उसमें आपको जो कोविड के दौरान ही हमने सभी बेड्स पे ऑक्सीजन की व्यवस्था सेंट्रल पाइपलाइन से शुरू कर दी है और वो अभी हमारा फंक्शन है। दूसरा, इसमें जैसे कि मास्किंग है N95 थ्री लेयर मास्क, वो हमारे पास एडिक्वेट हैं। और सैनिटाइजर्स भी हमारे पास लगभग अभी तक जो 3 महीने की सप्लाई है, या अगर कोई और चेतावनी आती है या हमें कोई और प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए बोला जाएगा, तो उसके हिसाब से IGMC प्रबंधन पूरी तरह तैयार है। क्या सर टेस्ट हो रही है IGMC में? जी हाँ, अभी हमारे टेस्टिंग अभी चल रही है, जैसे भी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हमारे OPD बेसिस पे भी हमारी अभी टेस्टिंग हो रही है। और जो कि हम अपने OTs में केस करते हैं उनका भी हम रैपिड टेस्ट अभी कर रहे हैं। क्या कोई पेशेंट अभी तक सर आए? नहीं, अभी हमारे पास कोई नहीं है। और जहाँ तक आपको भी मालूम है, JN वेरिएंट जो है अभी 11 स्टेट्स में बोल रहे हैं, बट साउथ में अभी इसका अभी केसेस आए हैं। तो हमारी साइड से पूरी तैयारी है, सतर्कता है। और लोगों से हम ये अनुरोध करते हैं कि जो कोविड के नियम कानून थे उनको वो फॉलो करें। जैसा अभी न्यू ईयर का इवेंट आ रहा है या फिर क्रिसमस आ रहा है, लोगों से हमारी हाथ जोड़ कर ये विनती है कि वो अपना विशेष ध्यान रखें और ज़्यादा भीड़ वाली जगह से। ये COVID-19 जो हमने 2019, 20, 21 और 22 में भी कुछ केसेस आते हैं, 22 में, 23 में भी, तो अब एक्चुअली केसेस पहले कम हो गए थे। इस साल में तो हमारे काफ़ी कम केसेस आए, हालांकि IGMC का जो कोविड वार्ड है वो एक आधा पेशेंट हमेशा रहता ही है। बीच बीच में एक आधा हफ्ता कोई पेशेंट नहीं था, पर अदरवाइज फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस 2020 से जब से हमने शुरुआत की है तो हमारे पेशेंट्स रहे हैं। तो ये COVID-19 का जो वायरस होता है, ये वायरस म्यूटेट करते हैं, इनमें चेंजेस आ जाते हैं। और ये जो नया वायरस है, ये कोविड, ये जो ओमिक्रॉन था पहले, हमारी अल्फ़ा वेव आई, फिर डेल्टा वेव आई, फिर ओमिक्रॉन वेव आई, डिफरेंट डिफरेंट कोरोना की वेव्स आई, जिसमें सबसे ज़्यादा घातक डेल्टा वेव थी। तो ये ओमिक्रॉन फैमिली से है, उसी के जैसे ट्रांसमिशन काफ़ी ज़्यादा है इसकी, तो एक दूसरे को ज़्यादा फैलता है। रेट ऑफ फैलने में, मतलब एक बंदे के साथ दूसरे को फैलने की जो रेट काफ़ी ज़्यादा है, बट ओमिक्रॉन भी बहुत घातक नहीं था। और ये वाला जो वेरिएंट है उससे भी ज़्यादा ट्रांसमिटेबल मानते हैं, उससे भी ज़्यादा, पर उससे कम घातक है, उससे कम घातक है, इन दैट सेंस दैट इज़ द बेटर पार्ट ऑफ दिस वन। बट वायरोलॉजिस्ट का ये कंसर्न हमेशा होता है कि जो वायरस एक स्टेज में रहता है, वो म्यूटेट अगर करेगा तो ये बताना मुश्किल होता है कि क्या वो दूसरा कोई रूप धारण करेगा। बट एज ऑफ प्रेजेंट ये ओमिक्रॉन जैसा है, ज़्यादा ट्रांसमिटेबल है पर कम घातक हैं। और जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि जिनकी इम्यूनिटी ठीक है और जिनको कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं, जिनको हाइपरटेंशन, डायबिटीज, किडनी डिजीज, लीवर डिजीज, कैंसर, ये नहीं है, उनमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है। बट जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी कम होती है और जिनको बीमारियां हैं जैसे मैंने गिनाई अभी, तो उनमें थोड़ा सा वो सावधानी जैसे ओमिक्रॉन के टाइम भी ये बरतने की ज़रूरत है, बिकॉज उसमें थोड़ा ये प्रॉब्लम, बिकॉज ऑलरेडी वो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में होते हैं उनकी हेल्थ, तो उनमें ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सिम्टम्स इसके वही कोविड के सिम्टम्स है, जैसे वायरल इलनेस होती है, जुकाम है, खांसी है, गले में दर्द है, अगर ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाए तो निमोनिया हो सकता है, तो कुछ प्रतिशत में निमोनिया भी हो सकता है। और जो ट्रीटमेंट है वो जैसे कोविड में हम करते थे, ऑलमोस्ट सेम ट्रीटमेंट है, तो ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं है। बट जहाँ निमोनिया हो जाता है तो थोड़ा सा फिर वो चिंता का विषय हो जाता है, और स्पेशली इन लोगों में जिनमें ऑलरेडी डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, किडनी डिजीज़, हार्ट डिजीज़, लंग डिजीज या और कोई बीमारी है जिसके, और ये कोई स्टीरॉयड्स ले रहे, कोई कैंसर वाले पेशेंट हैं, उनमें फिर थोड़ा सा ये थोड़ा चिंता का विषय होता है। पर जैसे मैंने कहा कि जब हम वेंटिलेशन करते हैं, वेंटिलेटर पर डाल देते हैं, तो काफ़ी सारे लोग उसमें सुधार हो जाता है।
प्रिकॉशन उसके वही हैं जो हम कोविड में करते आ रहे हैं, पिछले 3 साल से करते आ रहे हैं। मास्किंग, मास्किंग इज़ दी ओनली वे कि मास्क पहनो ताकि अगर हमको इन्फेक्शन है तो दूसरे को ट्रांसमिट नहीं हो, और जिसको है वो भी अगर मास्क है तो दूसरे को भी ट्रांसमिट नहीं करेगा। तो मास्किंग इज़ दी सिंगल बेस्ट आंसर फॉर दिस। और मतलब जो जिसको इन्फेक्शन है वो मतलब अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे और क्राउडेड जगह में नहीं जाता है तो ट्रांसमिशन डेफिनेटली डेफिनेटली कम हो जाती है। एक ही प्रॉब्लम है कि ये सर्दियों के दिनों में ये सर्दी खांसी जुकाम ये बहुत कॉमन है, तो हर दूसरे तीसरे आदमी को सर्दी जान से जुकाम हो जाता है। तो इसमें जो हम जैसे कोविड में करते थे कि मोस्ट लोगों के पास पल्स ऑक्सीमीटर है तो अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन जरूर चेक कर सकते हैं जिसी को भी है। अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक है तो उसकी जो बीमारी जो है वो ऑलवेज माइल्डर रहती है। अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन, दैट मेरे लिए वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे लगता है कि डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए, बिकॉज फिर उसके फिर मेडिकेशन देने की ज़रूरत पड़ती है। या ऑक्सीजन सैचुरेशन कम है तो इसका मतलब शायद कोई कॉम्प्लिकेशन या निमोनिया ऐसा कुछ डेवलप हो रहा होगा। सर, साधारण भाषा में अगर कंपैरिजन किया जाए तो जो और वेरिएंट थे कोरोना के उससे ये ज़्यादा घातक या कम, क्योंकि लोग कोविड का नाम सुनकर काफ़ी डर जाते हैं। सबसे घातक जो था डेल्टा वेरिएंट, जो आप ये याद होगा अप्रैल और मई 21 में जब हमारे पास 303 केसेस हो गए थे मैक्सिमम आईजीएमसी में, और जब दिल्ली में भी और ये सारे कंट्री में बहुत ज़्यादा केसेस हो गए थे और ऑक्सीजन के लिए भी थोड़ा सा टाइट हो गए थे हम, बट वी वर एबल टू डील विद इट। तो उस हिसाब से डेल्टा के कंपैरिजन में ओमिक्रॉन वॉज नेवर इतना घातक नहीं था, और ये ओमिक्रॉन से ज़्यादा ट्रांसमिटेबल है, ज़्यादा ट्रांसमिशन हो जाती है, पर घातक जो वायरोलॉजिस्ट बोल रहे हैं, जो अभी तक एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, उससे कम है, इवन ओमिक्रॉन से भी कम है। ओमिक्रॉन अपने आप में भी बहुत ज़्यादा घातक नहीं था और ये ओमिक्रॉन से भी कम घातक है। तो उस हिसाब से चिंता करने की कोई बात नहीं है, पर प्रिकॉशन डेफिनेटली जो हम ले रहे हैं अपने 3-4 साल से, और बहुत सारे लोग अभी भी मास्क पहनते हैं, अगर उसको हम कंटिन्यू करते हैं, हैंड सैनिटाइज करते हैं, और बिकॉज ये सर्दियों में ये सर्दी खांसी जुकाम ये वाले सिम्टम, वैसे भी दूसरे वाले वायरसेस भी बहुत कॉमन होते हैं जो नॉर्मली इन्फेक्शन करते, तो इसमें दूसरे वायरसेस जो करते हैं और इस वायरस में डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है। बट द मेन चीज़ मैंने जैसे कहा कि अगर फीवर रहता है, फीवर उतरता नहीं है, खांसी ज़्यादा रहती है, ऑक्सीजन सैचुरेशन डिप करता है, सांस फूलने लगता है, तो पेशेंट्स को टेस्ट डेफिनेटली करना चाहिए, बिकॉज टेस्ट करने के बाद अगर पॉजिटिव आते हैं तो हमारे पास इसके लिए जैसे कोविड के लिए हमने जो प्रोटोकॉल बनाए थे तो सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।